फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं आज मेरी जो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है वो सुबह सुबह हुई है। अभी हुई है 8:30 और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप देखते चलिए। ऋषभदेव के बीच में यहाँ पर जब मैंने स्कूलिंग ऋषभदेव से ही की है तो हम लोग जब भी आते थे ना, अगर ऋषभदेव में बारिश नहीं है और कल्याणपुर में बारिश नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एरिया में बारिश हमेशा रहती थी और यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीनरी रहता था। अभी भी है पर क्या पता श्रावण में भी बारिश नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? अभी बारिश लेट भी है, बारिश हो भी नहीं रही है होने के बाद भी। ये है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है मुझे। इतनी सुकून है यहाँ पर एकदम। हाँ, ये होता कितना मस्त लग रहा है। आते से मैं ड्रोन शूट करूँ। हाँ, यानी ये कितना सुंदर है आप खुद भी देख सकते हो। अभी तो यहाँ पे फसल हो रही है ये। अरे हाँ चिकू, क्या शानदार लग रहा है। बहुत मस्त जगह है, यानी एकदम पीसफुल है। पीस जिसको यानी ग्रीनरी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो यानी इस जगह को इतना ज़्यादा प्यार करेगा ना, बहुत ज़्यादा। सारे पहाड़ हरे भरे एकदम, क्या लग रहा है एकदम। देखिए आप, ड्रोन शूट लेंगे उसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपको हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और सुबह की जो सनलाइट है वो इस घास पर गिर रही है, फसल पर गिर रही है, तो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यानी वो इस ब्यूटी को और इन्हेंस कर रही है। थे मम्मी के घर क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से बीच में मम्मी का घर आता है और वहाँ से हमने रिसीव किया है विकोगो। तो अब हम तीनों जने जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। चलो वहीं जाकर आपको मिलते हैं और बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ये आज श्रावण का सोमवार है सो शिवजी के मंदिर हम दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि प्राचीन काल से स्थित है और यहाँ के मंदिर का नाम है बारूड जी। तो ये रहा मंदिर, अब हम मंदिर जा रहे हैं।
मंदिर से दर्शन करके गाड़ी में, जैसे कि मैं लेके गई थी मेरा गोप्रो अंदर, क्योंकि कैमरा ले जाऊंगी तो लोगों को अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि लोग घूर घूर के देखते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सो कैमरा छोटा गोपू ले गई थी, तो वो अच्छा रहा, मेरे को सही लगा एकदम कहीं पर भी शूट करने के लिए, मज़ा आया। मंदिर जाते हैं क्या सुकून मिलता है, और जैसे कि आज श्रावण का सोमवार है, इतने सारे भगवान के दर्शन हुए, मज़ा आ गया। और अभी हम चलते हैं फिर से हमारे घर, हमारे रोज के कामों में लगेंगे जाकर। थोड़े से आज जल्दी उठे थे जाने के लिए, पर इतना जल्दी हो नहीं पाया, चिकू उठे ही नहीं, मैं उठा रही थी तो भी वैसे लेट ही हो गए थे, निकलते निकलते हमको 8:30 बज ही गई, सुनते ही नहीं है ना कुछ बोलते थे। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे प्रभु बा, जो हमारे गुरुदेव हैं उनके यानी धाम में, तो वो हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है, ये रहा मंदिर। अभी हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत समय के बाद हम यहाँ आए, और सच में क्या सुकून है, यानी यहाँ जो सुकून है वो यहीं पर है, बाकी सब व्यर्थ है यूँ लगता है। और ये है सारा पांडा जहाँ पर, तो बस अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। गौरी हमारी कार, गोप्रो से मेरे को ब्लॉग करना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि छोटा इतना क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी हो रही है 12:30 और मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, यानी कल्याणपुर भी बीच में ही पड़ता है, तो सब जनों से थोड़ी थोड़ी देर मिल भी लिया। रायना आई हुई थी, चीनी मेरी कज़िन भाई की लड़के की लड़की, सुरेश भैया हिम्मी को राइडिंग करवा रहे हिम्मी, अच्छा मज़ा भी आता होगा इसका तो फिर। अभी उतरे ही नहीं, अच्छा उतरे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, चिल्ला ही नहीं, उतारूंगा, उतारा नहीं, एक बार कैसे करके चला ही नहीं, उतरने चलो पैदल चलते, मैं बता दीजिए वीडियो बनाओ, मजी आई क्या, मजी आई क्या। खाने में बनाए हैं करेले की सब्जी, मूंग और रोटी, दही, क्योंकि आज है मेरा व्रत इसलिए, और मैं फ़ोन लेके, मैं कैमरा लेके नहीं बैठी थी इसलिए फ़ोन में ही शूट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से खोल देते हैं व्रत, और फिर शायद आज तो मैं शॉप पर जा नहीं पाऊँगी, देखते हैं क्या होता है आगे। मैं आ गई हूँ घर पे, आ तो कब से ही गई थी, पर अभी बज रही हैं 6:30 जैसे कि, और 6:30 बज रही है, और सारे बच्चे आए हैं इधर मस्ती करने के लिए। हम आएंगे, तुम क्या आई हो, यूँ बताओ, चलो ये बाल बनाने खेलने, बाल बनाने, और आप क्या आई हो, हाँ क्योंकि ये तो हमारे पास ही लेती है ना, क्यों आई है छोटकी, आप क्यों आए बेटू, ये तो बोलेगी नहीं, ये तो 2 जन्म तक नहीं बोलेगी, अपन पूछेंगे। और आप बताइए जनाब, कल आपको आपका बर्थडे गिफ्ट देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सही सही बताया, एकदम मस्त, परफेक्टली, बहुत मजा आ गया। और खुशी कितनी हुई? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अरे वो चिल्ला नहीं थे लास्ट में, वो मेरे को तो मजा आ गया, देखा व्लॉग बताएंगे हम। और तीसरा है मेरे, सब जने बैठ के मेरा व्लॉग देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर सब बच्चों की चल रही है मस्ती क्योंकि सब जने बैठ के एंजॉय कर रहे हैं नव के बर्थडे का व्लॉग, मजा आ रहा है। तू देखो क्या हो गया, कितना जमाया बता दे, अच्छा 2 कलर जमाए थे, दोबारा करवा देते हैं, देखते ही सीख जाऊंगा, बस YouTube पे यही देखना है।
ये मशीन ले और सब आपने मुझे गिफ्ट भी दिया पैसे चिकू को लग गई है भूख तो अभी बना रही हूँ मैं खाना। यहाँ पर मैं जल्दी से कर देती हूँ भिंडी कट क्योंकि उनका ऑर्डर आया है कि भूख लग रही है जल्दी से खाना बना दो। बना देती हूँ बोला है इसका मतलब ज़्यादा भूख लग रही होगी। अभी खाना वगैरह मैंने बना दिया है जल्दी जल्दी मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि चिकू को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैंने जल्दी में ही खाना बनाया था। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो कपड़े धोने वाले भाई जी वो आ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश तो इसीलिए कल धोए थे दो दिन के कपड़े रात को सुखाए थे। अभी भी मैंने अभी वॉश की अभी बज रही है 8 बज रही है अभी वॉश कर रही हूँ और जब वॉश हो जाएंगे 10 बज जाएगी यानी रात को सुखाऊंगी तो सुबह आराम से ले लेती हूँ। एक तरफ कपड़े धोती रहती हूँ और एक तरफ कपड़े समेटती रहती हूँ तो बैलेंस हो जाता है टाइम वेस्ट नहीं होता है इस वजह से क्योंकि सही लगा मुझे ये सिस्टम रात को कपड़े धोने का क्योंकि टाइम ही कुछ निकाल पाते हैं यानी इस टाइप का काम करने के लिए तो उसके लिए रात का ही टाइम सही है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ थक गई हूँ भाग भाग के। रात की बज रही है 9:30 और मैं यहाँ पर कपड़े धो के सुखा रही हूँ। हालांकि मुझे ये टाइम सबसे सही लगा क्योंकि पूरी रात में आजकल तो वैसे ही धूप कौन सी निकल रही है आज निकली थी बाकी तो कहाँ निकलती है तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। मेरे हमेशा आंकड़ा 12:30 का ही रहता है यानी आपको कभी भी देखो खाना 12:30 बजे बन रहा है काम 8:30 बजे हो रहा है काम 7:30 बजे ये 12:30 तो आता ही है परेशान कर रहे हो ये तो आप मेरे को पीछे पीछे घूम के। मैंने जो नाइट सूट्स मंगवाए थे उसका कपड़ा इतना अच्छा निकला एक भी पीस डैमेज यानी ख़राब नहीं निकला वर्थ थे उसके पैसे एकदम व्यर्थ मत समझना वसूल है इसका मतलब। ठीक है कपड़े मेरे सूख रहे हैं और आज के व्लॉग में हमको है ना ड्रोन शूट भी करना था पर किसी कारणवश हम ड्रोन शूट नहीं कर पाए। हम नेक्स्ट कभी जाएंगे तो उस जगह पर ड्रोन शूट ज़रूर करेंगे क्योंकि हाँ नेक्स्ट मंडे हम जाएंगे तो और सच में वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है आपको नेक्स्ट मंडे देखने मिलेगा ही नेक्स्ट ट्यूसडे आई थिंक देखने मिलेगा क्योंकि एक दिन बाद आता है ना मेरा व्लॉग। मैं रात तक पूरा शूट कर लेती हूँ फिर सुबह जस्ट आपके पास मेरी दिनचर्या आ जाती है। तो आज की दिनचर्या आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट कर दे सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में बाय।